सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारी लोक जनशक्ति पार्टी बेदाग है, आज वही टाइम एक साबित कर दिया जम्मू के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, आज बढ़ चढ़ के हमारे साथ इतना बड़ी ज्वाइनिंग की, कुछ लोगों ने जो हमारे साथ सहूलत की, हम तिरंगा रैली में जो हमारे साथ उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट की, जम्मू के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट की और झंडे वगैरह हमने फ्लैग वगैरह दो तीन जगह फ्लैग भी चढ़ाया आज, तो लोगों ने आज बहुत ज्यादा हमारे साथ बढ़ चढ़ के रैली की और मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी रैली जो आज हमारी निकली है, बहुत ज्यादा यूथ हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है, हमने आए दिन आप देख रहे हमारी पार्टी में लोग ज्वाइन करते रहते हैं क्योंकि हमारी पार्टी पे एक भरोसा है, हमारी पार्टी जो यूथ के लिए काम कर रही है और हमारे जो चिराग साहब हैं यंग यूथ है उनका भी यही लक्ष्य है कि हम यूथ को आगे लाएंगे, तो हमारी भी पार्टी का यही मकसद है जो हमारे कैंडिडेट यहाँ इलेक्शन में लड़ेंगे उनको सबको आगे लाना चाहते हैं कि नौजवान को यूथ को मौका दिया जाए, हम यही देना चाहते हैं कि जो भाईचारे की मिसाल है, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते की तरह हम लोग आज हमारी पार्टी में कोई छूत नहीं है किसी चीज के, कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, हमारी पार्टी जो बिल्कुल एक क्लियर साफ सुथरी पार्टी है उसको देख के जो लोग भी बढ़ चढ़ के भी ज्वाइन करते हैं, आज भी 15 अगस्त को भी लोगों ने आज ज्वाइनिंग के लिए बोला लेकिन हमने बोला 2-3 दिन के बाद आपकी ज्वाइनिंग करवाएंगे यहाँ ऑफिस में, आज जो 15 अगस्त की खुशी मनानी है, 47 साल जो हो गए हमारे 1947 में जो हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था उसके लिए हमने जो आज खुशियां मना रहे हैं, जो हमारे वीर जवानों में शहीद हुए हैं उनको हम एक याद करना चाहते हैं दिल में अपने, उनको एक आत्मा के लिए उनकी शांति मांगते हैं, देखो हमारी तो पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में पूरी की पूरी सीटें लड़े हम, फिर भी हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अगर वो चेंजिंग चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के आप लोगों ने देखा कि बारामूला भी चेंजिंग करके दिखाया कि पब्लिक का कोई भरोसा नहीं किसको देना है वोट, जो पुराने सियासतदान थे उनकी वजह से लोग बहुत परेशान थे, आज नए चेहरों को लोग लाइक कर रहे हैं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हर ब्लॉक लेवल पे जो हर एक आवाज यही उठ रही है कि चिराग साहब को लाओ और चिराग साहब को हम इस वक्त मौका देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की यूथ का, चिराग साहब भी हल निकाल सकते हैं। पहले तो मैं हमारी पूरी जम्मू की आवाम को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने जम्मू के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी ने बहुत बड़ी रैली निकाली और सुबह हमने ऑफिस के बाहर फ्लैग होस्ट किया और गुजर नगर में 15 साल के बाद मेन चौक में आज झंडा लहराया गया है, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रफीक मलिक जी ने लहराया है और मेरी जम्मू की जितने आज युवा हमारी तिरंगा रैली में शामिल हुए थे मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि लोक जनशक्ति पार्टी आने वाली सरकार में जरूर बैठेगी।